बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जे वेखा मैं अमलां वल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले। जे वेखा मैं अमलां वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले। जे वेखा तेरी रहमत वल्ले, बल्ले बल्ले। अल्लाह का बड़ा एहसान है, उसकी बड़ी करम नवाजी है, और लाखों दुरूद व सलाम उस हस्ती पे जो रहमतुल आलमीन बन के आए। ये मेरा आज का पहला ब्लॉक है, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। आगे आगे चलते हैं, देखिए क्या होता है। ये हैंड वॉश पार्क है, और सामने लेजर सेंटर है जिसमें जिम भी है, स्विमिंग पूल भी है, इंडोर स्पोर्ट्स का एरिया भी बना हुआ है, और साथ साथ जो है बच्चों के खेलने की जगह भी बनी हुई है। और अभी चूँकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी क्वाइट है, नहीं तो आम दिनों में बहुत ही बिज़ी होता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुली जगह है जहाँ पे लोग आकर एक्सरसाइज करते हैं, और पूरा एक वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है जो कि तकरीबन 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये भी एक मेन गेट है। बहुत बड़ा पार्क है ये, तकरीबन 63 एकड़ जगह में फैला हुआ है। सुबह के टाइम अक्सर यहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी आते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं, और काफ़ी पुराने पुराने दरख्त भी यहाँ पे लगे हुए हैं।
इधर बैठने के लिए भी जगह बनी हुई है, लोग अक्सर यहाँ आकर बैठ जाते हैं। अभी मैं उस तरफ जा रहा हूँ जो मेरी बड़ी फेवरेट जगह है, जब मैं वहाँ पे पहुँचूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। और बिल्कुल पार्क के दरमियान में से ट्रेनें भी गुजरती हैं और ये ट्रैक है उसका। और मेरी फेवरेट जगह जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है। और ये है मेरी फेवरेट जगह आउटडोर, जहाँ पे नेट होते हैं। और ये है क्रिकेट ग्राउंड, जब सीज़न आता है तो काफ़ी यहाँ मैचेस होते हैं और चारों तरफ लोग बाहर बैठ के इस मैच का नज़ारा करते हैं। बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है जो इस पार्क में बना हुआ है। और ये पवेलियन है जहाँ पे सारे खिलाड़ी बैठते हैं आके। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये साथ ही आउटडोर नेट भी होते हैं। और यहाँ पे जो पिचेस बनी हुई हैं वो तकरीबन 3 से 4 हैं, काफ़ी ग्रीन और ग्रासी विकेट्स हैं, लेकिन एक इस वक्त तैयार है बिल्कुल।